Hey everyone, welcome back to another video of Anybody Can Cook. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने पापा की सबसे ज्यादा टेस्टी पिन्नी की रेसिपी, काजू की पिन्नी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. और ये जो पिन्नी है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, तो एक बार आप इसको जरूर बनाना ट्राई करें. और सामान भी इसके लिए बहुत ही कम चाहिए. तो पहले तो आपको चाहिए एक कटोरी मावा यानी कि खोया, एक कटोरी आटा, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी काजू और एक कटोरी आपको चाहिए बूरा चीनी जिसमें इलायची जो है उसको मिक्स किया हुआ है, इलायची पाउडर को. ठीक है, तो इस और साथ में आपको चाहिए मलाई जो कि बाद में बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, और साथ में देसी घी. तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम एक कप जो आटा लिया था हमने, और इसको जो है हम भूनना स्टार्ट करेंगे. तो इसको हमने अच्छे से भूनना है. इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे. तो भूनने के बाद जब आपको इसका कलर थोड़ा सा जो है आटे का वो चेंज होता नजर आएगा, तो जैसे कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तब हम इसमें जो हमने एक कटोरी सूजी ली थी उसको छान के इसमें डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे. इसको भी हमने अच्छे से कम 10 मिनट तक भूनना है इसी तरह से लगातार स्टिर करते हुए. इसको आपने इस तरह छोड़ नहीं देना, इसको लगातार इसके साथ में स्टिरिंग करते रहना है. अच्छे से इसको भूनने के बाद अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे. तो हम देसी घी जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे. पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा जो ये मिक्सचर है इसके अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाए. तो देसी घी जब हम ऐड करेंगे तो इसका कलर भी हमें थोड़ा सा मिक्सचर का जो है वो चेंज होता नजर आएगा. तो इसको डाल के हम फिर से अच्छे से भून लेंगे. तो आप देखो ये कलर जो है वो मिक्सचर का अब चेंज होना शुरू हो गया है. थोड़ा सा पहले वाइटिश था, अब ये थोड़ा सा येलोइश सा ब्राउनिश सा हो गया है. तो अब हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे लंप्स को इस तरह से ख़त्म कर देंगे और अच्छे से भूनते रहेंगे इस तरह से चलाते हुए. जो भूनने का सारा प्रोसीजर है वो आपको धीमी आंच पर ही करना है. जितनी धीमी आंच पर आप आराम आराम से इसको भूनोगे उतना ज़्यादा ये जो है पिन्नियाँ उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी. अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रोसेस को रिपीट करेंगे फिर से, और फिर से 5 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे. अब आप देखोगे कि इसको अच्छे से भूनने के बाद देखो इसका कलर कितना सुंदर कलर आ गया है. तो इस कलर से ही आपको पता लग जाता है, और जो खुशबू आपको आती है अच्छे से भूनने के बाद इस मिक्सचर की, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो मिक्सचर है ये भून के हमारा तैयार है. अब हम इस मिक्सचर को जो हमारा भून के तैयार हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, किसी भी थाली में या प्लेट में निकाल के साइड पर रख लेंगे. तो उसी कढ़ाई में अब हम फिर से लेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी और इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो हमने एक कटोरी काजू निकाले थे वो डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे. तो इनको हमने 2 मिनट तक भूनना है ताकि इनके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है, क्योंकि ज़्यादातर हम फ्रिज में स्टोर करते हैं काजू को, तो कोई मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, इसके ये करने से उनका मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा. तो इनको 2 मिनट तक हम हल्का हल्का सा ऐसे फ्राई कर लेंगे.
तो काजू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल देंगे। जो हमने मिक्सचर जो है जिसको हमने वो हीट अप किया था, जिसको अच्छे से भूना था, उसके अंदर अब हम ये वाले काजू जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम कढ़ाई में लेंगे एक कटोरी मावा, जो हमने एक कटोरी लिया था मावा, वो हम इसमें डालेंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये फ्रिज में रखा हुआ था मावा, तो इसलिए ये हार्ड हो गया है थोड़ा। तो आप इसको जब आपने पिन्नी बनानी है तो उससे 1-2 घंटे पहले ही मावा निकाल के फ्रिज से बाहर रख देंगे, तो बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको भूनने में। तो अब मावा जो है इसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के इस तरह से भून लेंगे और अच्छे से 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है हमने। तो मावा जो है वो भून गया है, तो अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है देसी घी ऐड कर लेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स करके भूनते रहेंगे। तो मावा जब इस तरह से आपको दिखने लगेगा तो इसका मतलब वो जो है वो रेडी है। और अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये जो मावा है इसको हम अब इस कढ़ाई के अंदर हम जो हमने जो पहले मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था उसके अंदर इसको डाल देंगे। सारा मिक्सचर और काजू वाला जो था हमारा सारा कुछ उस वो इसमें डाल देंगे मावे में और अच्छे से सारा कुछ इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने एकदम आराम से, ताकि मावा जो है वो अच्छे से रिल जाए हमारे मिक्सचर के साथ। मिक्सचर जब हल्का सा ठंडा हो जाए, थोड़ा हल्का सा कोसा सा लगे आपको, तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी बूरा खंड यानी बूरा चीनी और जो उसके अंदर इलायची पाउडर का जो मिक्सचर था हमारा, उसको हम इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको रला देंगे सारे मिक्सचर को। तो एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे हम इस मिक्सचर को, ताकि जो चीनी है उसके लम्प्स ना बने इसके अंदर और अच्छे से सारा जो मिक्सचर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो चीनी है कहीं कहीं ऐसे लम्प्स ना पड़े रह जाएं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको मिक्सचर को 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिक्सचर के ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मलाई डालेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। पहले 3-4 छोटे चम्मच मलाई डाल के देखेंगे हम इसको कि ये कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो इसमें पहले हम कम मलाई डाल के और सारा इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि इसकी बाइंडिंग जो है वो कितने अच्छे से हो रही है। अब आप फिर से इसको पिन्नी बनाने के लिए ऐसे बाइंड करके देख सकते हैं कि ये आपस में अभी बाइंडिंग इसकी हो रही है या नहीं। अगर आपको अभी भी कमी लग रही है कि पिन्नी जो है वो टूट रही है, तब हम इसमें थोड़ी सी और मलाई डालेंगे। तो आप जितनी बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 6-7 जो स्पून्स हैं वो मलाई के डलेंगे, जो छोटे चम्मच होता है वो डलेंगे। और मलाई डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम दोबारा से चेक करेंगे पिन्नी बनाने का। तो आप भी जितना आपको लगेगी मलाई बाइंडिंग के लिए उतनी इसमें उसी टाइम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो बाइंडिंग अब अच्छे से हो रही है, तो पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है इसी तरह से पिन्नी बनाई जाती है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप इस तरह से पिन्नी जो है वो बन के रेडी है। तो अभी इस सब की पिन्नियाँ बना लेते हैं एक एक करके। हमारी पिन्नियाँ हो गई है रेडी, तो आप भी जरूर ट्राई करें ये वाली पिन्नी बनाने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट पिन्नियाँ हैं। आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 10 दिन तक, लेकिन ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती हैं कि ये 3-4 दिन में ही खत्म हो जाती हैं। तो पहले जमाने में तो पीपा भर के पिन्नियाँ बनाई जाती थी, लेकिन मैंने थोड़ा ट्रेडिशनली इसको लुक देने के लिए स्टील के डिब्बे में डाला है। तो आप भी ये वाली पिन्नियाँ मेरे पापा की जो स्पेशल काजू की पिन्नी की रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करना, और आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।